क्षेत्रीय विधायक प्रताप ग्रेवाल ने मंगलवार को समर्थकों सहित ग्राम रिंगनौत पहुंचकर क्षेत्र से पहली बार भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित हुए नगर के युवा प्रथम चौधरी का पुष्पमाला से स्वागत कर सभी परिवारजनों को शुभकामनाएं दी। विधायक ग्रेवाल ने इस दौरान मीडिया से चर्चा में कहा कि भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद हेतु चयन परीक्षा CDS में 4 लाख अभ्यर्थियों में से 80 युवाओं में क्षेत्र के प्रथम चौधरी का चयन होना सभी के लिए गर्व की बात है। लेफ्टिनेंट प्रथम चौधरी से क्षेत्र सहित प्रदेश के युवाओं को निश्चित तौर पर प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह पटेल, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह राठौर, अमजेरा ब्लॉक अध्यक्ष मोहन मुकाती, नंदराम चौधरी, भैरू सिंह बड़गोता, चंद्र सिंह पटेल, कोदर सिंह पटेल, अनिल नरवे, दिनेश चौधरी, रतनलाल पड़ियार, अखिलेश चंदेरिया, लोकेन्द्र सिंह दरबार, रडू भूरिया, चेतन जाट, विजय दैया, इमरान खान, राम केवट, प्रकाश सोलंकी, अर्जुन पटेल, धीरज पाटीदार, जीवन धाकड़ आदि उपस्थित थे। रिंगनौत से विक्रम सिंह चावड़ा की रिपोर्ट। जो ये प्रथम सेना में गए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आज हमारे सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए, जो कि एक आदिवासी क्षेत्र है, जो पिछड़ा क्षेत्र है, ऐसे में प्रथम रतनलाल चौधरी ने CDS की परीक्षा में करीब 4 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, उसमें से 80 लोगों का सिलेक्शन हुआ, उसमें प्रथम चौधरी भी है। आज पूरे क्षेत्र को एक किसान के बेटे के ऊपर, एक शिक्षक के बेटे के ऊपर पूरे सरदारपुर क्षेत्र को गर्व है, उत्साह है, उमंग है। और प्रथम से इस क्षेत्र भी नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्र के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और राष्ट्र की सेवा में ज्यादा से ज्यादा युवा अग्रसर होंगे। यही मेरी शुभकामनाएं है, बधाई है पूरे संपूर्ण सरदारपुर क्षेत्र की ओर से, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। सर, सरदारपुर क्षेत्र में कई खिलाड़ी उभरे हैं, कई प्रतिभाएं उभरी हैं, लेकिन खेल परिसर भी यहाँ पर नहीं है। कई बार आपने भी मांग उठाई है। खेल परिसर सरदारपुर में है और फुटबॉल में हमारे यहाँ की बालिकाएं पूरे देश में नाम रोशन कर रही हैं, और एथलेटिक्स में हमारे राजपुरा के की जो छात्र और छात्राएं वो भी नाम रोशन कर रही है। और जिस प्रकार से पिछली बार हमने फुटबॉल सेंटर सरदारपुर में करवाया, मैं चाहूंगा कि यहाँ से ज्यादा खिलाड़ी इस प्रदेश में और देश में नाम रोशन करें, और खिलाड़ी को जो भी मिलने वाली जो सुविधाएं, मेरा प्रयास रहेगा कि वो सब सुविधाएं अवेलेबल करवाने का मेरा प्रयास रहेगा। आपका नाम प्रताप ग्रेवाल, विधायक सरदारपुर। लेफ्टिनेंट पद के लिए चयन हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी हो रही है सर, बहुत गर्व की बात है मेरे लिए भी और पूरे गांव समाज के लिए। अभी तक कोई भी नहीं था इस क्षेत्र में, अभी तक इधर से कोई गया नहीं, तो जब इसका हुआ है, शुरू से इसका लक्ष्य यही था, शुरू से मतलब देश सेवा, गांव में हर कोई की मदद करना, इसका शुरू से नेचर ही ऐसा है। कोई उसके बनने पर हम सबको बहुत ज़्यादा खुशी है। कल गाँव में जो भव्य स्वागत हुआ, इसके लिए गाँव वालों के लिए धन्यवाद देना। हाँ, गाँव का तो बहुत बड़ा रहा सर, शुरू से हम वहाँ से निकले, देहरादून से निकले, वहाँ हरिद्वार से ही शुरुआत हो गई समाज की, जो धर्मशाला थी वहाँ पे इसका स्वागत हुआ, फिर मांगोद में हुआ, फिर भी वहाँ से IG स्कूल का हुआ, लक्ष्य स्कूल में वहाँ पे स्वागत हुआ, खंदरोटा में, फिर यहाँ से विजडम वालों ने, पंचायत वालों ने, हमारे जो जैन लोग, हमारे दोस्त लोग थे मेरे, उन्होंने स्वागत करा, फिर जो समाज ने इतना ऐतिहासिक जो कार्यक्रम यहाँ पे रखा और सभी लोग घर तक आए छोड़ने के लिए, और बहुत भावुक और बहुत अलग ही क्षण। इनको यहाँ से आपको लेफ्टिनेंट बनने के लिए बहुत सारी आपको समस्याओं का सामना भी करना पड़ा होगा, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? समस्याएं तो बहुत थी सर, पर इसने कुछ भी समस्या को समस्या नहीं समझी, और शुरू से ही उसके लिए बस कठोर से कठोर प्रयास करना। यहाँ 4 दिन के लिए छुट्टी पर भी आता था, तो ऐसे नहीं कि आराम करना, रेस्ट करना, बस ये काम करना वो करना, शुरू से मेहनत, दौड़ना करना, खेती के काम में भी सहयोग करना, आसपास वालों को भी सहयोग करना, बस शुरू से इसका ऐसे ही नेचर रहा। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। रतनलाल चौधरी।